तारे हाँ तो पूछ ले वे, सारे हाँ तो पूछ ले। ताजी, ये लगता है कि आज ईद का चांद जरूर नजर आ जाएगा। और तेरे मुंह में मिट्टी, अगर आज चांद नजर आ गया और कल ईद हो गई तो ये इतना काम देने वाला पड़ा हुआ है, ये किस तरह देंगे? और बेटा दुआ करो, ओके इस दफा 31 रोजे हो, 2 दिन मिलेंगे तो ये सब काम निबड़ेगा। चलो जल्दी से काम करो यार। अरे मारे गए, मैं तो पहले सोच रहा था सुबह ईद ना हो जाए। बच्चे किधर है? बच्चे जब से ऐलान सुना है ना अपने कमरे में रो रहे हैं। रो रहे हैं ना, ईद का ऐलान हुआ है क्या? उनका नाना अबू फौत हो गया है। क्या कह रहे हो? मैं कुछ भी नहीं कह रहा। किधर है बच्चे? बुलाओ बच्चों को। वो आ गए हैं। मैं आपको कपड़े लेके आता हूँ। माफी चाहता हूँ, आप देखे कब गए थे भाई? ये मैं दिखाऊं आपको पर्ची, आप कब देखे गए? जी जी, एक मिनट, ये देखे, ये पकड़े। ये क्या है? आधा किलो किन्नू। भाई जान क्या हो गया? ओ सॉरी, ये लिखे हुए देखो जरा, जल्दी करो। अजीब लोग हैं भाई। सिर्फ ना उस्ताद जी, चारों के बटन लगने वाले रह गए, एक घंटे में लग जाएंगे और डिलीवर कर देंगे। वहाँ कपड़े ले आए पर लिखा। बेटा बात सुनो, क्या बात सुनो बेटा, ना क्या कह रहा है वो कमबख्त मारा दर्जी? कपड़े तो तैयार हो गए हैं, बस एक घंटे तक मिल जाएंगे, सिर्फ बटन लगाने वाले रह गए हैं। तुम यहाँ लेने के आए हो, कपड़े लेके वापस आते हो? मैं तो सिर्फ बच्चों को तसल्ली देने के लिए आ गया था। तो जाओ जाके तसल्ली दो फिर कमरे में उनको। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा ड्रेस? जी जो ड्रेस आप देके गई थी, मैं उस ड्रेस पे पहुंचा हूँ, वहाँ ताला लगा हुआ था। मैं अपने कपड़ों की बात कर रही हूँ। कब देखे गई थी ये कपड़े? क्यों नहीं दे रहे आप मुझे? देखिए अगर बटन लग रहे हैं, अगर आपको ज्यादा जल्दी है, इनको बटन नगद दे दें और कपड़े उठा दें और ये खुद जाके बटन लगा लेंगे। ये नगद क्या? बटन लगा के दे, मैं कपड़े लेके जाऊंगा घर में, बीवी बच्चे मेरी जान तो रो रहे हैं और आप कह रहे थे नगद लेके चले जाए। सर काम आप ही क्या कर रहे हैं? कोई और तो हम काम नहीं कर रहे यहाँ कोई। आप प्लीज बैठे, सिर्फ 5 मिनट की बात है सर। 5 मिनट समझ नहीं आती, क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा। ठीक है, लड़के घर से आ जाते हैं, दिमाग ट्रेन। आपको भी कपड़े नहीं देना? नहीं यार, ये मासूम बच्चे का तो घर भेजो। तुम अभी यहाँ बैठे हो? कब को यहाँ बैठो? तुम्हारी सिस्टर का सूट था ना? हाँ जी। वो तो बेटे घर का तैयार है, ले लो इधर आओ। ये सर वो पैसे भी देंगे नहीं, जाओ शाबाश। आप बताओ तो सही, क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? चुप हो जाओ मेरा प्यारा बेटा, खामोश हो जाओ ना। फोन क्यों किया था तुमने? फोन इसलिए किया था कि ये संभाले नहीं जा रहे थे मुझसे। ले जाओ उस मनुष्य के पास, दर्जी के पास, इनको उसके सर पे बिठा के उसके मर्दूत की जान करो। जी भाई जान। डरो नहीं, 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 मैं वही हूँ टेलर मास्टर। काम करो, क्यों मेरी जिंदगी का तुम अजाब बन गए हो? कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। जी वालेकुम सलाम बहन, क्या हाल है? असल हाय लतीफ, तूने अभी तक बच्चों के कपड़े नहीं सिलाई किए, सारे दुनिया के कपड़े तूने सिलाई कर दिए। ओ बेगम, क्यों, क्या हुआ, क्या है? बच्चे तेरी जान को रो रहे हैं, अभी तक कपड़े नहीं सिलाई हुए, कल ईद है। बेगम ये बच्चे मेरी जान को रो रहे हैं, वो जो पीछे बैठे हैं वो बच्चे मेरी जान को रो रहे हैं, ये बच्चे मेरी जान को रो रहे हैं। देखो चांद आज नजर आया है तो ईद तो कल है ना, सारी रात ये दुकान खुली है और मैं आपसे वादा करता हूँ बच्चे ईद को कपड़े जरूर पहनेंगे। मुझे ये आखिरी बार बता दो, आखिर मेरे बच्चों के कपड़े कब मिलेंगे? ये सब बच्चे कपड़े पहनेंगे लेकिन कब? बकरा ईद को।